Hi everyone, we have today with us Hirjan Srivastava, and Hirjan have got CAT 92 percentile. We'll talk about that. That's the main thing I want to talk about. Uske baad sare phode NMAT 272. Main bolta hu 250 ek acha marks hota hai. 272. SIMBI 98.6. ZAT 99. How much is 99.42. So इसके बाद NMMS, SIBM, SMHRD, MICA, XLRI, all calls, all convert with a gap of 1.5 years. And after coming to XLRI, he got the summer internship in TAS. भाई कुछ छोड़ दिया तो बता दो यार, और कुछ बचा तो बता दो भाई. Very good, very good. So we want to talk about all these things because your story will be very, very motivating for the students, for the younger generation who is preparing for their MBA exams. So let's start with your first thing first. How many months you prepare for the CAT exam? So for CAT, I guess for serious prep, if you're talking about, I prepared for around 2.5 or 3 months. उसके पहले I was busy with my UPSC prep. तो उसके बाद जैसे ही UPSC का result आया, after that 2.5 or 3 months of मतलब dedicated prep for CAT. Perfect, good. तो ये 3 मंथ में आपने ऑफ कोर्स यू हैव डन बेसिक्स, मोस्ट प्रोबब्ली माइट हैव गॉट कवर्ड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी. एंड दिस इज व्हाट एवरीवन कैन डू, के यू कंप्लीट योर बेसिक्स नाउ एंड आफ्टर द बेसिक्स वी कैन वर्क ऑन द अदर थिंग्स. यू कैन वर्क ऑन द लास्ट 3 मंथ्स इफ यू कैन फोकस ऑन द कैट एग्जाम, दैट्स मोर देन सफिशिएंट. बट अनफॉर्चुनेटली, और भाई ने मारा सिर्फ एबीसी टिक मारा था. मैं हर बार आई मेक अ वीडियो एंड से भाई एक टिक मारना है, सारे टिक मार दो, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट अप्लाई फॉर दैट. बट चलो एनीवे, जो भी हुआ कैट आपका अच्छा नहीं गया. सो ऑफ कोर्स व्हेन द कैट रिजल्ट कम, ऑलवेज इज द फेज व्हेन यू फीलिंग लो, राइट? वो रिजल्ट नहीं आने की देर की वेट नहीं होता, उस दिन पता चल जाता है शाम को कि हो गई गड़बड़ हो गई है. सो हाउ यू मेड अ कमबैक यार, हाउ यू गॉट एक्सलेंट स्कोर इन द अदर एग्जाम्स, सो हाउ यू मेड अ कमबैक? तो मतलब मेरे को ये नहीं लगा था कि देयर वाज अ लैग इन माय प्रेप. मतलब प्रेप मेरी अच्छी थी, मेरे सारे मॉक्स अच्छे गए थे, बट उस डे पे मेरे को एक दो क्वेश्चंस नहीं बने डीआई में, तो वो मैं पैनिक कर गया. मैंने डीआई वाला सेक्शन ही पूरा खराब कर दिया था. उसके ऐसे आई न्यू, मतलब कैट वाले दिन ही पता चल गया था कि इधर तो नहीं हो सकता कुछ. उसके अलावा और दो सेक्शन अच्छे गए थे. मतलब आई बिलीव कि वर्बल मेरा अच्छा है, तो वर्बल वॉज नाइस. क्यूए भी मैंने कर लिया था, मतलब अपने स्लॉट 3 था मेरा लास्ट ईयर, तो उसके हिसाब से ठीक ठाक कर लिया था. बट देन मेरे को पता था डीआई में और दिल थोड़ा टूट सा गया तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारा वो आगे भी कौन में इफेक्ट आया होगा उसका. वो हो गया था. पर देन उसके बाद हाँ, मतलब थोड़ा दिन, तो 2-3 दिन तो चाहिए होते हैं रीसेट होने के लिए. पता करेक्ट, था निकी नेक्स्ट बेस्ट मतलब ऑप्शन ही जाट है. बोला कि इंडियन टीम की पहला मैच हारते हैं उसके बाद अच्छा खेलते हैं फिर. तो कैट भी ऐसा गया, कैट हारा लेकिन कैट में अच्छा कर लिया फिर. बट देन जैट का मैंने एकदम सीरियस प्रेप दिसंबर से शुरू की थी. दिसंबर में भी फर्स्ट वीक के बाद से आराम से मैंने पूरा टाइम लेके किया था. उसमें भी आई रिलाइड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर द डीएम सेक्शन. वर्बल आई फील मेरा स्ट्रांग है, तो वर्बल के लिए मैंने एज सच ऐसा एक्स्ट्रा प्रेप नहीं की थी. एंड क्वांट एंड डीआई का आई रिलाइड ऑन यूट्यूब की जिधर से भी मिल जाए कि कोई बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा है या फिर कोई भी एक सम जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये सिखा रहा होगा, तो मैं वो सब मैंने किया. दिसंबर पूरा आई गेव टू जैट डिसीजन मेकिंग इन पर्टिकुलर. डिसीजन मेकिंग में क्योंकि आई फेल्ट कि एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं मतलब मैंने अपना जो वो जब मैं दे के आया था जैट, उसके बाद जो टैली करते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू गॉट करेक्ट और नॉट, आई हैव दैट विद मी. तो डिसीजन मेकिंग में आई 13 वर करेक्ट, 6 वर रॉन्ग एंड 3 आई लेफ्ट. ओके, तो आई वाज श्योर कि मतलब कट ऑफ ये निकल जाएगा, राइट? हाँ कट ऑफ तो हो जाएगा अच्छा से. एंड इन वर्बल आल्सो 18 वर करेक्ट, 8 वाज 8 वर रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड 0 थे. मतलब वर्बल मैंने पूरा ही करा हुआ था. एंड सिमिलरली विद क्वांट 16 वर करेक्ट, 7 वर रॉन्ग एंड 5 आई अनअटेम्प्टेड. तो इसमें मैंने यही सोच रखा था कि यू कुड मिस 8 questions, अनअटेम्प्टेड आप 8 मैक्सिमम रख सकते हो. तो वो मैंने सोच रखा था इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं, डीएम में और क्वांट में. ये पहले से ही मैंने डिसाइड कर रखा था करेक्ट कि करेक्ट वर्बल में वो नहीं करने वाला मैं. तो ये थोड़ा करेक्ट सा स्ट्रैटेजी एंड बस ये डीएम की एंड क्वांट की थोड़ी सी प्रेप.
एंड देन उस दिन जाके उस दे उस दिया। दिन के ऊपर जाओ, वो देखा जाएगा जो होगा फिर उस दिन। तो यार जैट का इफ यू लुक एट द कट ऑफ्स आर रियली वेरी वेरी लो, दे ओनली वांट 80 परसेंटाइल इफ यू लुक एट सेक्शन वाइज, एंड व्हिच इज अराउंड 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 5 मार्क्स वर्बल, 8 डीएम 7, एंड मैथ्स में सिर्फ 5 नंबर। तो अगर आप 8 8 8 भी टारगेट करते हो तो आराम से आप कॉल लेके आ सकते हो। सो माय क्वेश्चन टू यू इज इट पॉसिबल, नाउ वी गॉट 5 डेज रिमेनिंग फॉर द रैट एग्जाम, इज इट पॉसिबल इन 5 डेज कि मैं अपना, यार देखो सब एवरीवन हैव डन समथिंग, ऐसा नहीं कि वी आर ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, जीरो स्टार्ट करोगे तो यू कांट डू इन 5 डेज, आपको बहुत कुछ आता है। वी आर जस्ट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जस्ट फीलिंग लो ऑन द कॉन्फिडेंस बिकॉज कैट अच्छा नहीं गया। तो अभी इज इट पॉसिबल और फर्स्ट क्वेश्चन, एंड क्या किया जाए कि चलो 99 परसेंटाइल ना सी मेरे एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर हो सके। सो एनी एडवाइस यू कैन गिव फॉर दैट? तो माय एडवाइस वुड बी कि अपनी स्ट्रेटजी पहले से ही प्लान करके जाओ। लाइक आई सेड, मेरा ये स्ट्रेटजी था जो 8 क्वेश्चन मेरे को मिस करने हैं वो इन 2 सेक्शन में मिस करने हैं, और इसमें इतने राइट, अटेम्प्ट मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिस वैसा हो चुका था मॉक दे दे के, मतलब करेक्ट करेक्ट मॉक भी करेक्ट, देखे एंड प्रीवियस ईयर पेपर देखे। आपको डीएम तो यू कैन इजिली क्रैक कि आपसे हो सकता है नहीं हो सकता है, कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो वर्बल वॉज अ सेक्शन जो मैं कॉन्फिडेंट था, तो मैंने एक भी नहीं छोड़ा उसमें। वर्बल मैंने जल्दी जल्दी खत्म किया पहले ताकि आई हैव टाइम फॉर क्वांट एंड डीआई, फॉर क्वांट एंड डीएम। अपार्ट फ्रॉम दैट यही स्ट्रैटेजी थी मेरी कि एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। जैसे आपने कहा कि ज्यादा आपको नहीं लेके आने हैं मार्क्स, द कट ऑफ इज ओनली कट एट्टी ऑफ है। परसेंटाइल ट्रू फॉर ट्रू ईच ट्रू, सेक्शन, तो आप पहले एक्यूरेसी से वो कट ऑफ क्लियर कर लो। उसके बाद देर वुड बी क्वेश्चन जो आपको आगे आके दिखेंगे जो कि बहुत ईजी होते हैं, वो आप मोस्टली मिस कर जाते हो। तो दोस्त क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट एंड आप इजिली कट ऑफ के भी बहुत आराम से 90-95 परसेंटाइल फॉर ईच सेक्शन यू कैन डू, अगर आप आराम से आपकी मतलब करेक्ट एकदम करेक्ट काम होके करो उस दिन को। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो इफ यू कैन मैस वो ना जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया उसमें तुम अच्छा करो यार, ऑब्वियसली व्हाट एवर द स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, लाइक मैथ्स किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स में तुम 20 में 20 लेके आओ, वी हैव नो प्रॉब्लम, बट जो वीकर सेक्शन है उसमें आपको इज्जत बचानी है बस, नहीं। ठीक है? वो अगर आपने वो मैनेज कर लिया तो वी आर सॉर्टेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंटरव्यू स्किल्स, के वर यू आस्ड, वॉज दिस अ चैलेंज जो आपका गैप ईयर है, सो हाउ डिड यू जस्टिफाई द गैप ईयर, बिकॉज दिस इज वन क्वेश्चन एवरी वन वुड हैव आस्ड यू, और 1.5 साल के गैप के बाद भी हमने घर कन्वर्ट किया कॉल। मेरे को भी ये लग रहा था कि मेरे को गैप ईयर पे क्वेश्चंस आने ही हैं, एमबीए इंटरव्यूज में आने ही हैं, बट लकीली एक्सएलआरआई वाज द ओनली कॉलेज दैट डिड नॉट फोकस मच ऑन द गैप ईयर। मतलब मेरे को बोथ इन बीएम एंड एचआरएम इंटरव्यू मेरे को इसमें पूछा ही नहीं, कुछ भी क्वेश्चन ही नहीं था गैप ईयर के ऊपर। आई वॉज आस्ड अबाउट दिस इन SIBM, SCM, HRD, इवन वाइका, बट देन एक्सएलआरआई में इस पर फोकस ही नहीं था। द फोकस वॉज मोर ऑन द वैल्यूज दैट आई ब्रिंग टू द टेबल, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन माई वर्क एक्स। सो देर वर 3 पैनलिस्ट, वन वॉज आस्किंग मी स्टफ अबाउट माई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, द सेकेंड वन आस्क मी अबाउट माई हॉबीज, फुटबॉल इन पर्टिकुलर। सो द 15 मिनट्स ऑफ माई इंटरव्यू वॉज अबाउट माई फेवरेट फुटबॉल टीम एंड इफ आई प्ले फुटबॉल और नॉट, एंड वॉट पोजिशन डू आई प्ले, वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पोजिशन, थिंग्स लाइक दैट। तो द इंटरव्यू वॉज वेरी रैंडम, बट देन इट वॉज मोस्टली अबाउट वॉट आई हैव डन बिफोर एंड वॉट आई एस्पायर टू डू इन द फ्यूचर एज वेल। राइट राइट राइट। एक आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल इज द मोस्ट वांटेड थिंग, क्या क्या है, गैप है, ये है, वो है, दे आर ऑल इमेटीरियल, ऑफ कोर्स दे गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन ऑन दैट, दे वांट टू चैलेंज यू, सी हाउ यू रिप्लाई टू दैट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप हाउ यू कवर इट अप। तो आप वो कवर कर सकते हो गैप, नथिंग लाइक, एंड आई थिंक यूपीएससी इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाट आई सीन इन एमबीबीएस, यू पीपल आर यू यू मतलब जो दो दो जो यूपीएससी एस्पायरेंट, दे थिंक इट इज अ नेगेटिव पॉइंट, बट व्हेन इट कम टू द एमबीबीएस इज द स्ट्रांगेस्ट पॉइंट, क्योंकि हमने मोटी मोटी बुक देखी है, तो तुमने पढ़ी है भाई उतना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द जीके सेक्शन ऑफ दैट एज करेक्ट वेल, करेक्ट, हाँ वो जीके जीके आराम से भी हो जाता है फिर। करेक्ट, वो स्कोर भी वहां पे भी काउंट आता है, ठीक है? तो माय लास्ट क्वेश्चन इज अराउंड टेस्ट, तो एक तो पहले एक क्लैरिटी दो यार कि टेस्ट है क्या, बिकॉज लॉट लॉट ऑफ पीपल हियर आर नॉट अवेयर ऑफ कि टेस्ट कितनी बड़ी बात है। तो टास्क स्टैंड्स फॉर टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इट इज अ लीडरशिप प्रोग्राम फ्रॉम टाटा। आई हैव गॉटन इनटू इट फॉर माय समर इंटर्नशिप। आई एम नॉट श्योर कि क्या प्रोजेक्ट मिलने वाला है या कौन सी कंपनी मिलने वाली है। आई विल गेट टू नो इन मार्च, बट करेक्ट। फॉर देन एग्जाम्पल अभी लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टैस्क क्या होता है, जैसे
आईएएस ऑफिसर क्या है कि दे विल बी पुटिंग यू इनटू वेरियस सिटीज या वेरियस इंडियन कंपनीज गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हो. सेम वे टाटा हैव अ टायर्स प्रोग्राम वेयर यू आर पोस्टेड इन वन ऑफ देयर कंपनी ग्रुप्स एंड दोज हू ज्वाइन टायर्स का प्रोग्राम इन द फुल टाइम यू आर रोटेटेड. कभी तुम ताज में काम कर रहे हो, कभी तुम यहाँ काम कर रहे हो. सो यू गेट अ लीडरशिप रोल फ्रॉम डे वन. सो आई थिंक राइट, दैट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस कंपनी कैन हैव, एनीवन कैन हैव. सो द जोक इन द फैमिली इज कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से लगी गया अब तो. मैं बोलने वाला था, मैं बोला नहीं, मैं क्या भाई हाँ को वो हर्ट ना हो जाए. बट गुड हाँ यार, गुड शो. आई थिंक योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ विच यू हैव इज योर ऑनेस्टी, आई वुड राइट, से दैट, एंड यू आर काल काम एंड कंपोज. अगर मैंने जो जितना मैं देख रहा थ्रू आउट द इंटरव्यू, थ्रू आउट दिस कन्वर्सेशन, यू आर काम. दैट दैट टोन वाज एग्जैक्टली सेम. डजंट मैटर जो है वो है, जो है हम हैं. तो दैट दैट्स आई राइट. थिंक योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ विच वर्क फॉर यू अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली योर अचीवमेंट्स विच यू हैव. So, Shirjan, thank you very much for coming and talking to us. You cleared a lot of doubts and all Thank the you, sir. best for the Thank you for future. having me. Thank you. Thank you, guys.